अगर कोई एक भी समाज में अच्छे काम की पहल करता है तो वो अकेला भी पूरे समाज को बदल सकता है, और इसी बात को सही साबित करके दिखाया है दिल्ली के इस पुलिस कांस्टेबल थान सिंह जी ने। अब ऐसा क्या किया है इस पुलिस कांस्टेबल में, चलिए जानते हैं। देखिए, ये है राजस्थान के भरतपुर में रहने वाले पुलिस कांस्टेबल थान सिंह जी, जिनका अतीत काफी गरीबी में बीता था। उनके माता पिता दोनों ही कपड़ों को इस्त्री करने का काम करते थे और उसी की कमाई से उन्होंने थान सिंह जी को पढ़ाया और लिखाया। एक दिन ड्यूटी से घर जाते समय थान सिंह जी का ध्यान सड़क किनारे प्लास्टिक का कचरा बीनते छोटे बच्चों पे पड़ा। तब उन्हें लगा कि उन बच्चों को शिक्षा की जरूरत है और इसीलिए उन्होंने साल 2016 में थान सिंह की पाठशाला शुरू की, जहां वो ड्यूटी के बाद घर जाने की बजाय बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठशाला जाते थे। 4 बच्चों को लेकर शुरू की गई पाठशाला आज 60 बच्चों की शिक्षा का ठिकाना बन चुकी है। गाइस, देश की सुरक्षा करने के साथ साथ गरीब बच्चों को शिक्षा देकर उनका भविष्य उज्जवल करने वाले इस कांस्टेबल थान सिंह जी को हम सलाम करते हैं। हमारे भारत की एक ऐसी महिला जासूस जिसने अपने पिता की सोने की खदान होने के बावजूद भी मात्र 16 साल की उम्र से ही सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज को ज्वाइन कर लिया था। कौन सी थी वो महिला जासूस? दरअसल उस महिला जासूस का नाम था सरस्वती राजमणि जी, जिन्हें भारत की सबसे कम उम्र की महिला जासूस भी कहा जाता है। उनका पूरा परिवार ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थक था। नेताजी के आजाद हिंद फौज में शामिल होने के बाद साल 1942 में वो 2 साल तक झांसी में एक लड़के के भेष में रही थी। फिर जब उनके एक साथी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था तो उसे छुड़ाने के लिए उन्होंने एक नर्तकी का भेष धारण कर लिया और अंग्रेजों को नशीला पदार्थ देकर अपने साथी को वहां से छुड़वा लिया। लेकिन उस दौरान अंग्रेजों ने उनके पैर पर गोली मार दी थी। यही नहीं, दूसरे महायुद्ध के दौरान उन्हें ब्रिटिश मिलिट्री बेस पर जासूसी के लिए भेजा गया था, जहां उन्होंने कई खुफिया जानकारी आजाद हिंद फौज को पहुंचाई थी। लेकिन आजादी के बाद उन्हें कई साल तक अकेले जीवन बिताना पड़ा और साल 2018 में उनका निधन हो गया। गाइस, ऐसी नीडर और साहसी स्त्री शक्ति को हम सलाम करते हैं। एक तरफ जहां बागेश्वर धाम में भक्त अर्जी लगाते थकते नहीं कि काश एक बार उन्हें बागेश्वर बाबा के दर्शन हो जाएं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद बिना अर्जी लगाए बागेश्वर बाबा अपने भक्त के पास पहुंच गए। क्या है पूरा मामला और ये वीडियो सोशल मीडिया पे क्यों वायरल हो रही है? गाइस, सावन का महीना शुरू हो चुका है और इसी अवसर पर एक भक्त शिव भक्ति में कावड़ यात्रा के लिए निकला हुआ था, जिसने अपने कंधे के सहारे दोनों बेटियों को मंदिर तक पहुंचाने की मन्नत मांग रखी थी और बहुत ही कष्ट से नंगे पैर यात्रा कर ही रहा था कि अचानक उनकी मुलाकात बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी से सीधे हो गई, जिसे देखते ही वो भक्त रास्ते में ही कांपने लगा और फूट फूट के रोने लगा, जिसे बाद में बाबा ने उठाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। गाइस, इससे तो यही साबित होता है कि अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो भगवान किसी न किसी रूप में आपको आशीर्वाद देने के लिए जरूर आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। और इसीलिए किसी ने सही कहा है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, क्योंकि ऊपर वाला है कभी ना कभी आएगा और तेरे कंधे से तुझे उठाकर आशीर्वाद जरूर देगा। मिलते अगली वीडियो में।